ट्रेंड बदलते लाइफस्टाइल और हमारे खान पान की खराब आदतों की वजह से आजकल किडनी के खराब होने के मामलों में बहुत तेजी आ गई है। ट्रेंड किडनी से जुड़े कई रोग बहुत ही गंभीर होते हैं और अगर सही समय पर इनका इलाज ना करवाया जाए तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम सामने आते हैं। देश में महंगा इलाज, लापरवाही, संभावित समस्याएं और जानकारी के अभाव में कम लोग ही किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस करवा सकते हैं, इसीलिए ज़्यादातर मरीज सामान्य इलाज करवाने के लिए ही मजबूर रहते हैं, जिससे उनमें बीमारी के गंभीर हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। हर इंसान के शरीर में दो किडनी होती हैं, इसी से इस बात का पता चल जाता है कि किडनी का इंसान के शरीर में कितना इम्पोर्टेंट काम है। किडनी का स्वस्थ होना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे खून और पीने वाले पानी में मौजूद जहरीले पदार्थों को अलग करती है। इसके अलावा किडनी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, सोडियम, पोटेशियम और शरीर के तापमान को भी नियंत्रण में रखती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमारी किडनी को खराब करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। उनमें से कुछ आदतें इस तरह से हैं: बहुत ज़्यादा शराब पीना, पेशाब लगने पर भी उसे बहुत देर तक रोक कर रखना, डायबिटीज और थायराइड होने पर उसे कंट्रोल में ना रखना, ज़्यादा मीट मछली का सेवन करना, लंबे टाइम तक पेनकिलर टेबलेट को खाना, जरूरत के हिसाब से आराम ना करना और पानी का कम पीना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में इन आदतों को अपनाए हुए हैं तो आज ही इन आदतों को बदल दीजिए, क्योंकि इससे आपकी भी किडनी खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। आइए फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं कि वो आदतें कौन सी हैं जिन्हें अपनाने से आपकी किडनी ठीक रहेगी और स्वस्थ किडनी के साथ आप एक लंबी जिंदगी जी सकेंगे। तो गुर्दे की सेहत को ठीक रखने के लिए आप रोज 8 से 10 गिलास शुद्ध पानी पिए। खाने में फल, हरी सब्जियां, सलाद और फलों का जूस खूब सारा इस्तेमाल करें। दोस्तों, फलों में अंगूर जरूर खाएं, ये किडनी में से फालतू का यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है। अपने खाने में नमक, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा कम ही रखें। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई हो या जिनके परिवार में किडनी की प्रॉब्लम जेनेटिक रही हो, वह हर 6 महीने पर अपनी किडनी की जाँच यानी LFT जरूर कराते रहें। तो अपने ब्लड प्रेशर और पेशाब की रूपरेखा का नियमित ध्यान रखें, शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज करते रहें और योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। अब मेडिकल साइंस के सहारे अगर किसी इंसान की एक किडनी फेल हो जाती है तो वो अपनी एक किडनी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसकी जीवन शैली एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ी कठिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी किडनी यानी गुर्दे के रखरखाव से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बिना देर किए आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।